हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक ऐसा कोर्स जिसमें आपका एडमिशन इजीली हो जाता है और जो आपका पीआर भी इजी गारंटी करता है। तो जी हाँ, आपको इजी पीआर मिलता है, इजी एडमिशन मिलता है, तो सैलरी या जो पैसा आप कमा सकते हो उस कोर्स करने के बाद वो भी ज्यादा है। और इस कोर्स को मैंने देखा नहीं कि लोग बहुत मतलब परस्यू कर रहे हैं और कोई बता रहे कि हाँ भाई कनाडा में अलग कोर्स करने आ रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड ऐसे लोग हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं। तो आप भी, अगर आपको कनाडा में एडमिशन चाहिए जल्दी से इजीली लेस कंपटीशन में और उसके बाद चाहिए पीआर, तो आप ये वीडियो पूरा देखना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भाई, उस कोर्स का नाम है प्लम्बिंग। जी हाँ, प्लम्बर जो होते हैं अपने वहाँ, प्लम्बर या प्लम्बिंग जो भी आप बोलना चाहते हैं तो उसको आप बोल सकते हैं। तो प्लम्बर का जो कोर्स है, प्लम्बिंग का जो कोर्स है, वो एक बहुत इजी कोर्स है जिसमें आपको एडमिशन मिल जाता है और उससे गारंटी, मतलब गारंटी तो मैं नहीं कहूंगा पर एश्योरेंस जरूर होता है कि आपका जो पीआर है वो जल्द से जल्द लग जाएगा। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के संग आगे दिखाऊंगा। काफी इसका जो स्कोप है बहुत अच्छा, आपको पता ही होगा कनाडा में कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के बाद भी हाउसेस, जो घर है उनको सपोर्ट करना पड़ता है, मतलब पुराने घर भी सपोर्ट करने। प्लम्बिंग का आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। तो जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक प्लम्बर को घर पर बुलाया और उससे आपको जो इंडिया के जो जेट होते हैं ना वो लगवाए थे। तो मैंने तीन जेट लगवाए थे, तीन वॉशरूम में। तो उसके उसको मैंने दिए थे $200 उसने दिए थे, इंडिया के रुपीस अराउंड 12,000 रुपीस होंगे। और उसने वो काम सिर्फ आधे घंटे में कर दिया था और जस्ट नट खोलने थे, फिटिंग करनी थी। मैं भी कर सकता था बट मैंने उसको बुलाया और उसने मुझसे $200 लिए। तो इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोर्स सही है और रिसेशन प्रूफ कोर्स है। प्लम्बिंग की जरूरत यार हर किसी को होती है। अगर आप अच्छे प्लम्बर है तो आपको जरूर बुलाएंगे। और रेजिडेंशियल घरों में होता है, कंस्ट्रक्शन में, जो इतनी बड़े बड़े घर होते हैं इनमें फिटिंग करनी पड़ती है। तो स्कोप तो भाई बहुत सही है और पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं अगर आप अच्छे प्लम्बर हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्लम्बिंग के कोर्स के बारे में, कैसे आप कॉलेज चूज कर सकते हैं, कैसे आप प्रोविंस चूज कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ये कोर्स पीआर के लिए क्यों सही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो प्लम्बर का जो जॉब होता है, प्लम्बिंग का जो कोर्स है और प्लम्बर का जो स्पेशली जॉब है, वो यहाँ पे फुली रिस्पेक्टेड है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई जॉब करेंगे या वो कोर्स करेंगे तो आप मतलब आपको नीचे देखा जाएगा। यहाँ पे सारे जो चीज़ें होती हैं, सारे जॉब है, सभी को एक ही नज़रिए से देखा जाता है और सभी का अपना अपना रोल होता है सोसाइटी में। और सारा ही जो ये जॉब है, सारी जो कोर्स है वो सही है। तो ऐसा मत समझना कि यार ये कोर्स छोटा है इंडिया में तो भाई बोलेंगे भाई प्लम्बर को बुला लो, ये करा लो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको एडमिशन चाहिए इजिली और पीआर भी चाहिए तो ये कोर्स आपके लिए है। तो पूरा वीडियो देखिए। तो चले चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं सारी डिटेल्स। तो वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता देता हूँ ये कोर्स सही क्यों है। आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे और आपको पता ही होगा कि कनाडा ने एक्सप्रेस एंट्री में अब कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन कर दिया। ठीक है, कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन क्या है, क्या मतलब है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करते हैं तभी आपको इनविटेशन मिलेगा कनाडा आने का। क्योंकि यहाँ पर जो लेबर मार्केट है, पहले तो मतलब सभी को बुला रहे थे बट अब जो भी लेबर मार्केट का असेसमेंट है उसके हिसाब से ही बुलाया जा रहा है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे आप कैटेगरी चोजन फॉर 2023, ये हर साल बदल सकती है, नहीं भी बदल सकती, बट 2023 के लिए जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे, फ्रेंच है, हेल्थ केयर है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, मैथ्स है, ट्रेड ऑक्यूपेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशन है। तो आज के जो वीडियो में जो प्लम्बिंग का जो कोर्स बताया आपको मैंने, वो ट्रेड ऑक्यूपेशन के अंदर जाता है। तो उसके अंदर ट्रेड में काफ़ी डिमांड है और ट्रेड में जो सीआरएस का जो कट ऑफ पॉइंट जाता है वो भी लो जाता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ इसको, बट नीचे जाके अगर आप देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे देखिए ट्रेड ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लम्बर का जो नॉक कोड है लेटेस्ट वो है 72300 और ये जो टीयर कैटेगरीज की है वो है 2 नंबर की। तो नॉक कोड अब चेंज हो गया, 2021 का ये फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो अभी थोड़ा नॉक कोड चेंज हो गया। और टीयरिंग भी कर रहे हैं तो टीयर 2 है, जैसे टीयरिंग 2 मतलब आई थिंक नॉक बी में ये फॉल होगा पहले के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ड्रॉ हैं कुछ टाइम पहले के, मतलब अभी देखिए 15 अगस्त को लेटेस्ट ड्रॉ है, उसके बाद कोई ड्रॉ नहीं हुआ। तो इसमें इन्होंने कोई भी प्रोग्राम स्पेसिफाइड नहीं किया था और सभी को इनविटेशन दिया था। पर आप सीआरएस स्कोर देखेंगे 496 बहुत हाई है। और अगर आप ये वाला देखेंगे 3 अगस्त वाला, यहाँ पे इन्होंने ट्रेड ऑक्यूपेशंस को बुलाया था जिसमें 1500 लोगों को इन्वाइट किया था और सीआरएस स्कोर सिर्फ 388 है। 388 स्कोर अगर आप कनाडा में कोर्स कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, तो आपका 388 स्कोर तो बन ही जाएगा, मतलब कोई रोक नहीं सकता आपका 388 स्कोर होने से। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम यहाँ पे कंपटीशन है 388। अगर आप पुराने कुछ देखेंगे, फ्रेंच वालों को बुलाया था 435 में और सभी को बुलाया था 570
का स्कोर किया था और फ्रेंच में उन्होंने और बुलाया था 375, बट जो अगर आप देखेंगे नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड में 500 390, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। अभी मैं कह रहा था कि इस कोर्स को करने के बाद आपका जो पीआर का इनविटेशन है वो जल्दी से मिल जाएगा। तो दूसरी ये बात आती है कि अब ऐसा प्रोविंस कैसे ढूंढें जहाँ ये कोर्स हो रहा है और वहाँ उसकी डिमांड है। तो मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, जॉब्स बैंक मतलब कनाडा की वेबसाइट है और मैंने यहाँ प्लमर इन कनाडा का प्रॉस्पेक्ट खोल रखा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ब्रेकडाउन बाय प्रोविंस एंड टेरिटरी, और इन्होंने यहाँ सारा बता रहे हैं, वेरी गुड, मतलब जहाँ काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं अल्बर्टा में मॉडरेट है, ब्रिटिश कोलंबिया में वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड जहाँ पे ये आएगा तो आपको यहाँ नहीं जाना है, इस प्रोविंस में नहीं जाना है उस कोर्स को करने के लिए। मॉडरेट में भी चल सकता है, लिमिटेड मैं कहूँगा लिमिटेड वाले जितने हैं उनको इग्नोर करें, और जैसे गुड जहाँ पे है तो बढ़िया है, मॉडरेट भी ठीक है, और यहाँ तो इन्होंने डिटरमाइन ही नहीं किया है। और ओंटेरियो में मॉडरेट है, मतलब ठीक है प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा जिनका मॉडरेट है, गुड है, वेरी गुड है, और डिपेंडिंग अपॉन आपके आपको कहाँ जाना पसंद है तो उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है प्रोविंस। तो वंस आपने प्रोविंस चूज़ कर लिया, आपको देखना है कि उस प्रोविंस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स करवा रहे हैं। तो आप जा सकते हैं ontariocolleges.ca की वेबसाइट में, और ये वेबसाइट वो है जहाँ से सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट मतलब अप्लाई करते हैं, इसी के थ्रू सारे कॉलेजेस में अप्लाई होता है। तो आप देख सकते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट, यहाँ पे ये प्लमिंग का मैंने सर्च किया हुआ है, पर इस पर ध्यान नहीं देंगे आप। मैं सारे लिंक आपको देखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट आप यहाँ से देख सकते हैं। जब मैंने प्लमर का जो कोर्स है मैंने उसका रिसर्च करा तो यहाँ पे सारे जितने भी प्लमिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं सारे आ गए, आप देख सकते हैं सारे कुछ आ गए, ठीक है। ये देखिए काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, देखिए यहाँ पे सारे कॉलेजेस भी आ गए हैं ओंटेरियो के, मैंने ओंटेरियो का सर्च किया, आप कहीं से कहीं का भी सर्च कर सकते हैं ऐसे किसी प्रोविंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डरम है, काफ़ी सारे कॉलेज, हम्बर, मोहक, फ्लेमिंग, मतलब काफ़ी सारे कॉलेज हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आप चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कहाँ रहना सही रहेगा, कहाँ रहना चीप रहेगा, तो आप यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वंस आपने कॉलेज सेलेक्ट किया तो आप उसमें जाके फिर यहाँ की इनकी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक दो वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो यह है डरम कॉलेज की वेबसाइट, मैकेनिकल टेक्निक्स प्लमिंग की, ठीक है। तो विडबी में ये कोर्स हो रहा है और क्रेडेंशियल मिलेंगे ओंटेरियो कॉलेज ऑफ सर्टिफिकेट के, बट हम यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात है, इनटेक जनवरी 2024 के अभी चालू है और 2 सेमेस्टर की लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कौन सा क्लोज्ड है कौन सा नहीं है, यहाँ पे अभी ओपन चल रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि आप यहाँ पे ग्रेड 12 इंग्लिश है, तो आप ये देख सकते हैं कि 12th के बाद आपके पास अगर ये मैथमेटिक्स ने रिकमेंडेशन करी है, बट 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कोर्सेज में जाएंगे तो ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, कॉस्ट दे दी गई है इसमें, इंटरनेशनल सेलेक्ट कर लूँगा, कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट और कैनेडियन सिटीजन के लिए तो बहुत कम है, तो इंटरनेशनल मैं करूँगा मैं। और इंटरनेशनल के आप देख सकते हैं 8,800, मतलब 9,000 मानी तो साल के 2 सेमेस्टर के 18,000, और वैसे भी इन्होंने लिखा हुआ है 8,800, या दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस कम है 8,000, और इसको 9,000 मान लो तो 17,000 होता है, फिर खाने पीने रहने का भी आपका खर्चा होगा, ठीक है, तो वो आप सारा कुछ जोड़ लेना। तो यहाँ पे जो दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग है देखने वाली वो यह है कि आपके ऑप्शंस क्या हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो पहला आप बन सकते हैं प्लमर अप्रेंटिस और इंडस्ट्री सेल्स पर्सन, मतलब प्लमिंग इक्विपमेंट आप बेच सकते हैं, और आप बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन में काम कर सकते हैं, प्लमिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर काम कर सकते हैं, प्लमिंग पार्ट्स एंड सर्विस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, होल सेल सप्लाई में काम कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे जगह आप काम कर सकते हैं। और प्लमर जो अप्रेंटिस है ये इसका नॉक कोड, मतलब नॉक, जब नॉक कोड देखते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये जो डेजिग्नेशन है ये ऑलरेडी उसमें दिया गया है कि आप अगर प्लमर अप्रेंटिस है तो आप उस नॉक कोड में आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाक से, और ये देखिए प्लमर्स नॉक कोड ये है, प्लमर अप्रेंटिस ये है, अप्रेंटिस प्लमर। तो अगर आप ये सारे जॉब का टाइटल रखते हैं तो आप इस कोड में अपना पीआर का भर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। जो आपको नॉक कोड चूज करना होता है तो आप ये दे सकते हैं। तो वैसे ये कोर्स ये है जॉर्ज ब्राउन में प्लमिंग का, ठीक है, यहाँ पे भी सारा कुछ दे रखा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए फ़ीस क्या है, डोमेस्टिक फ़ीस क्या है, कितने टर्म का ये कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम की सारी डिटेल है, तो मैं सारा कुछ आपको नहीं दिखाने वाला, हर
पेज को हर कॉलेज के खोल के, बट आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया है कि भाई ऐसे ऐसे कोर्स हैं, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। और हाँ, आप सोचो कि भाई इसकी डिमांड है कि नहीं, तो पहला मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताऊंगा, इंडीड लिंक्डइन में जाएं और प्लम्बिंग की जॉब सर्च करें। और अगर आप वहाँ जाना नहीं चाहते तो आप ये जॉब बैंक की जो वेबसाइट है यहाँ डायरेक्टली आ सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो वेबसाइट है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्रोविंस सही है, और वहीं पे आप ये जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन 2021 का ये डेटा है, बट यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइंस है ना वो है ये कि 2022 से 2031 में जो जॉब की जो ओपनिंग है वो एक्सपेक्टेड है 12,600, और उन पोजिशनों को भरने के लिए हमारे पास जो लोग हैं सिर्फ 10,200 लोग हैं, न्यू जॉब सीकर्स। तो पोजीशंस ज़्यादा हैं पर जॉब सीकर्स जो हैं वो कम है इस पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम है इसके बीच में। तो तभी मैं कह रहा था कोर्स सही है, आपको जॉब प्रोस्पेक्ट सही है, एवर ग्रीन कोर्स है, तो ये उससे प्रूफ होता है, ठीक है। ये कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट है, काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और जगह जगह से डेटा कलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर डालते हैं, और यहीं पर आप अपने वेजेस भी देख सकते हैं। देखिए मिनिमम तो है ही है 18 वगैरह, हाईएस्ट 42 दिखा रहा है इसके लिए, और यार डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। आप अपार्ट फ्रॉम वर्किंग फॉर लाइक कॉन्ट्रैक्टर, आप अलग अलग गिग में काम कर रहे हैं, तो आप रेजिडेंशियल वाले में घर जाके, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझसे $200 लिए जस्ट आधे घंटे के काम के, तो आप वैसा भी काम कर सकते हैं और अपनी जो अर्निंग है वो बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा डेटा है, इतना तो मिनिमम है ही है। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको प्रोविंस चूज करना है, कैसे आपको कॉलेज चूज करना है, और कैसे आपको इस कोर्स से इजीली पीआर मिल सकता है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अभी प्लम्बिंग का कोर्स है, उसके बाद कोई दूसरा कोर्स आएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं करा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों संग जरूर शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। टिल देन बाय।